हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी चैनल मिसेस तिवारी आर्ट में। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रियादीप मैम की फेस की पोर्ट्रेट रंगोली। और मैं एक पोर्ट्रेट रंगोली आर्टिस्ट हूँ, मैं पोर्ट्रेट रंगोली बनाती हूँ, सेलिब्रिटी फेस रंगोली ये सभी बनाती हूँ। तो आज हम प्रिया मैम की फेस की रंगोली बना रहे हैं। तो देखिए मैंने उनका फेस कैसे रंगोली से बनाया है। मैंने आईज कंप्लीट कर ली है और अभी मैं फेस की शेडिंग कर रही हूँ। तो चलिए रंगोली बनाते बनाते हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं प्रिया मैम के बारे में। तो आप रंगोली भी एंजॉय कीजिए और थोड़ी सी बातें भी सुनिए मेरी। तो प्रियादीप मैम एक यूट्यूबर हैं और प्रियादीप मैम के दो चैनल हैं, एक प्रियादीप ब्लॉग का चैनल है और एक प्रियादीप मेकअप का चैनल है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो प्रियादीप मैम का जन्म यूपी के एक प्रतापगढ़ ज़िले में ढकवा में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई ढकवा से की और आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर में कॉलेज से की। उन्होंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रियादीप मैम में बचपन से ही कुछ करने की और आगे बढ़ने की बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो जब वह स्कूल में थी और कॉलेज में थी तो हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब सभी मुझे पहचाने जाने। तो उनको कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की बहुत मतलब मन में इच्छा थी कि मैं भी आगे बढ़ूं, आगे कुछ करूं। वह फिर यूट्यूब चैनल उन्होंने ज्वाइन करने का सोचा। तो उन्होंने 2017 में एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया, प्रियादीप मेकअप वाला, प्रियादीप का, तो जिसमें वह मेकअप वीडियो अपलोड करती थी। तो उनका चैनल बहुत ही आगे बढ़ा, सभी लोगों ने प्रियादीप मैम को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही उनको सराहा उनके काम को। वह बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वह सेलिब्रिटी मेकअप भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ प्रियादीप मैम की पोर्ट्रेट रंगोली। अच्छी बन रही है कि नहीं? अच्छी बन रही है। तो देखिए फिर अभी हमने उनके हैंड्स की रंगोली कंप्लीट की है। ये जो छोटे छोटे आप कलर्स देख रहे हैं ये उनके एक इंस्टाग्राम में एक पिक डली थी, उसमें उन्होंने एक ब्राइडल मेकअप किया था, उसी की मैंने पिक निकाल के रंगोली बनाई है। हल्दी मेकअप ट्यूटोरियल का एक उन्होंने मेकअप वीडियो अपलोड किया था, तो इंस्टाग्राम में पिक डली थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी ये पिक। तो मैंने सोचा कि इनकी एक रंगोली बनाई जाए, क्योंकि ये प्रियादीप मैम हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, महिलाओं के लिए, क्योंकि एक गांव से निकलकर इतने आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। हम सभी को प्रियादीप मैम से इंस्पायर होना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे उनकी रंगोली बना रही हूँ। अभी मैंने हैंड्स और फेस कंप्लीट कर लिया है। ये रंगोली कलर्स मैं घर में ही कलर्स को मिक्स करके बनाती हूँ। प्रियादीप मैम बहुत ही अच्छी हैं, मैं उनको बहुत ही लाइक करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं और बहुत से लोग बहुत उनको लाइक करते हैं, सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक यूट्यूबर हैं लेकिन उनमें मतलब घमंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। जब मैंने उनको अच्छे से जाना पहचाना तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैम की भी एक पोर्ट्रेट रंगोली बनानी चाहिए और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाए। बहुत से प्रियादीप दी के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि प्रियादीप मैम का भी एक पोर्ट्रेट रंगोली बनाओ प्रियादीप मैम का। तो और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रियादीप मैम की एक पोर्ट्रेट रंगोली बनाऊँ। तो अच्छी बन रही है कि नहीं देखिए, मैं यहाँ लैपटॉप में उनका जो पिक डला है उसी से ही देख के रंगोली बना रही थी। पहले मैंने पेंसिल से स्केच कर लिया था ग्राफ बना के, उसके बाद ही मैंने ये रंगोली बनाना स्टार्ट की थी। देखिए लगभग हमारी रंगोली कंप्लीट होने वाली है। कैसी लग रही है आपको रंगोली? किसी को पोर्ट्रेट रंगोली को बनाने के लिए थोड़े पेशेंस की ज़रूरत तो बहुत होती है, क्योंकि
मुझे एक रंगोली बनाने के लिए लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम लगता है फिनिशिंग में, क्योंकि स्पीड से किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो नहीं बनेगी ना अच्छी। अच्छी बन रही है ना? तो देखिए, हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर में मिक्स करके हम उनकी दुपट्टे का कलर सेट कर रहे हैं। ऑरेंज में थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा रेड मिक्स किया था, और जो फेस में हमने कलरिंग की थी उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा वाइट ब्राउन कलर मिक्स करके स्किन का कलर बनाया था। और जो मैम की चीक्स पे जो हाइलाइटर है वो हमने थोड़ा सा वाइट कलर, थोड़ा सा शेडिंग करके हाइलाइटर बनाया। अच्छी लग रही है ना आपको मेरी रंगोली? यदि आपको मेरी रंगोली अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए, मैं रंगोली बना रही हूँ। अभी कहीं मत जाइए, अभी मेरे साथ ही बने रहिए, क्योंकि ये रंगोली कंप्लीट होने के बाद मैं प्रियादीप मैम के जो चैनल का लोगो है उसकी रंगोली भी बनाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो प्रियादीप मैम एक यूट्यूब क्वीन है, तो हमने उनकी पिक के नीचे लिखा भी है यूट्यूब क्वीन प्रियादीप। देखिए, अच्छी बन रही है ना? तो हमने थोड़ा मैंने एक सिंगल टाइल्स में एक फ़ोटो बनाई थी उनकी, तो मैं सोची कि एक सिंगल टाइल्स में उतना उठ के नहीं दिख रही, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया जाए, तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है। तो वो थोड़ा ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिया था हमने। देखिए, मैं बैकग्राउंड फिल कर रही हूँ अभी। आप वीडियो तो एंजॉय कर रहे होंगे ना? देखिए, हमारी सुंदर सी प्यारी सी प्रियादीप मैम कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं। यूट्यूब क्वीन प्रियादीप मैम की रंगोली बन गई है। तो कैसी लगी आपको? यहाँ पर मैं प्रियादीप मैम के जो चैनल का लोगो है उसकी भी एक रंगोली बना रही हूँ। तो चैनल के लोगो में जो पिक डली है ना उनकी, प्रियादीप चैनल में जो पिक डली है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा एक और पिक बनाई जाए। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रंगोली कैसे बनाते हैं वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने फेस कलर की शेडिंग की है, फेस में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके शेडिंग की है। आईब्रोज़ हम फिल कर रहे हैं। मैंने इस रंगोली में आपको अच्छे से समझाने के लिए पेंसिल से पहले स्केच किया था, फिर स्केच पेन से किया था, क्योंकि पेंसिल से उतने अच्छे से समझ में नहीं आता कि स्केचिंग कहाँ की हुई है, तो फिर मैंने स्केच पेन से भी स्केचिंग कर दी। मैं पेंटिंग भी करती हूँ, लेकिन मुझे रंगोली बनाने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं रंगोली भी बनाती हूँ। तो देखिए, अभी हमने हेयर्स में ब्लैक कलर फिल किया था और थोड़ा सा ब्राउन कलर, तो अच्छी बन रही है ना? हमने दोनों आई, देखिए मोबाइल से देख के मैंने बनाई थी रंगोली। अभी दोनों आईज़ में कलरिंग हो गई है। अभी हम नोज़ में कलरिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा जो हाइलाइटेड पॉइंट हैं उनमें थोड़ी सी लाइट कलर की रंगोली मैंने नोज़ को फिल कर दिया है। मैंने नोज़ बनाने में बहुत ही टाइम लगता है मुझे, इसलिए मैंने आपको नोज़ बना के दिखाई। थोड़ी फिनिशिंग में टाइम तो लगता ही है। तो हमारी प्यारी सी प्रियादीप मैम की फ़ोटो तैयार हो रही है। आई होप कि उनको बहुत पसंद आएगी। ये उनके मेकअप के चैनल का एक लोगो था जिसकी पिक मैं यहाँ बना रही हूँ। तो कैसी बन रही है हमारी रंगोली? अच्छी बन रही है ना? आप उनके चैनल के लोगों में जाके देख सकते हैं, ये पिक उनके चैनल के लोगों में लगी हुई है। अभी हम हाथों में कलर की शेडिंग कर रहे हैं। तो
तो ये सब हमने रंगोली से बनाया है, हमने कोई कलर का यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ रंगोली के कलर्स का यूज़ किए हैं और सिर्फ हम अपने हाथों से उसमें फिल कर रहे हैं। और जो स्केचिंग हमने की थी, स्केचिंग मैंने पहले पेंसिल से की थी, उसके बाद फिर मैंने स्केच पेन से की थी। तो देखिए प्यारी प्यारी प्रियादीप मैम कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रियादीप मैम हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, इसलिए मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई तो मैंने सोचा उनकी रंगोली बनाएं। तो देखिए हमारी रंगोली लगभग कंप्लीट हो गई है। यदि आपको मेरी ये रंगोली अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।